नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जाने वाला हूँ मेरे को फेलो की शादी में। इट्स गोइंग टू बी अ कोरियन वेडिंग, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी अटेंडिंग अ कोरियन वेडिंग, सो सूटेड अप फॉर दैट। लेट्स सी हाउ इट गोज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपका एफिशिएंट है। सो मेरे को 7:40 नंबर बस लेनी है। सो आई थिंक अभी वो टाइम बताएगा कितने टाइम में आ रही है वो बस। लेट्स सी व्हाट इट टेल्स। अरे यार 7:40 दिखा। हाँ 3 मिनट। ओके यार मैं पहुँच गया हूँ द के होटल, जो कि वेडिंग का वेन्यू है। होपफुली सूट फिट ठीक रहा होगा, क्योंकि आई वेंट इन द बस बिकॉज इट इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन। एंड द वेन्यू इज़ रियली अमेजिंग, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। अमेजिंग गाइस, वेडिंग का वेन्यू जाकर देखते हैं कैसा है। एक्चुअली मेरा एक पंगा हो गया, आई डोंट नो विच इज़ अ प्रॉब्लम और नॉट, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट गॉट माय वेडिंग कार्ड, आई हैव नॉट ब्रॉट माय वेडिंग कार्ड। ही हैड गिवन मी, ही वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, पर अभी अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं लाया है। आई होप कि वो लोग कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, बिकॉज सम प्लेसेस यू नीड वेडिंग कार्ड्स, और यहाँ कोरिया में तो ऑलवेज ट्राई टू गो बाई द लॉ, तो पता नहीं। ऑल्सो और एक चीज़ है कि यू हैव टू टेक अ कूपन फॉर द मील, सो आई डोंट नो कि अगर मील के लिए कूपन रिक्वायर्ड है तो एंट्री के लिए है कि नहीं है कार्ड रिक्वायर्ड। लेट्स सी, जस्ट फाइंड आउट। वेडिंग हॉल पहुँच चुका हूँ। यहाँ एक अलग ही ट्रेडिशन है कि आप जब भी किसी वेडिंग में जाते हैं तो यू हैव टू गिव अ गिफ्ट, एंड दैट गिफ्ट हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। ऐसा कुछ चीज़ें वगैरह बहुत क्लोज जो लोग रहते हैं वो ही देते हैं। ऐसा पॉकेट पैकेट रहता है, एंड देन यू फिल योर मनी इन दैट, पुट योर नेम मे बी, आई डोंट नो, इट्स इन कोरियन। और वहाँ एक काउंटर रहेगा, तो आई विल गिव इट ऑन द काउंटर फॉर देम टू यू नो कलेक्ट इट, एंड आई डोंट नो। सो बेसिकली इट्स अ प्रॉपर ट्रेडिशन, तो यू विल हैव envelopes available, and then you will have also people who are taking care of the money that you are giving, keeping all the records and everything. So let's see how it goes. Wedding venue बहुत ही सुंदर है, it's a like dream wedding जैसा दिख रहा है। It's a very elegant decoration, and I have found my friends. तो अभी I'll occupy one of the tables जहाँ मेरे friends बैठे हैं। Hello Dr. Kim and Dr. Lucas, hi, looking handsome, and we are here in one of the most magnificent venues. YouTube. Dr. Kim is also here. So, Thank you.
평생 당신이 기대어 쉴 수 있는 든든한 남편이 되겠습니다. तो गाइज द वेडिंग इज़ ओवर. बहुत ही सुंदर सेरेमनी थी एंड द होटल इज़ सो ब्यूटिफुल एंड पीसफुल. यू कैन सी सो मेनी नाइस गार्डन्स अराउंड एंड दीज आर ऑल माई को फेलोज एंड दे आर एन्जॉइंग. पोस्ट वेडिंग अभी हम लोग पार्टी करने आए हैं. सो द district in Gangnam looks like a party place. Bamboo. Let's see how it goes. Yeah, we are here. This is it, guys. The wedding is over. Then we had a good party with all the fellows. And some soju. Some chicken. And that's it. I'm done for the day. I'm going to crash on the bed. Party is over. Nowadays, store closes at 10 o'clock. So we are just back, and I'm going back to my home. Guys, I just Dr. Loke wedding ko ja ke aaya. It was a really nice ceremony. Bahut hi beautiful tha. And the venue was amazing. The food was amazing. And he was so sweet that I could not eat beef. So that is the reason why he specifically told the event manager that only one person should be served a different cuisine. So it was really nice of him doing that. And I'm really glad that he invited me, because I think this is my first and last Korean wedding that I've ever attended. So yeah, I really had a nice experience.